और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शिंदे गुट के विधायकों ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है। शिंदे गुट के 6 विधायक कामाख्या मंदिर पहुंचे और विधायकों के ना पहुंचने पर विपक्ष ने निशाना साधा। कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए विधायक पहुंचे, हालांकि कुछ विधायक ना पहुंचे जिस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। और इंद्रजीत मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, सवाल उठा रहा है विपक्ष कि कुछ विधायक आखिर क्यों नहीं पहुंचे असम के कामाख्या मंदिर। जी बिल्कुल, कल ही एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे और आज वहां से वो लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच 6 विधायक जो हैं वो कामाख्या मंदिर नहीं गए थे साथ में, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ये 6 विधायक नाराज हैं और शिंदे गुट में बगावत हो सकती है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। हालांकि उन विधायकों में से कुछ लोगों ने सफाई भी दी कि वो निजी कारणों से नहीं गए हैं, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर इस तरह के सुगबुगाहट है कि हो सकता है कि उसमें से एक दो लोग नाराज जरूर हों, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि उसमें से एक दो लोगों ने ठाकरे परिवार की काफी तारीफ की थी कुछ दिन पहले और मंत्री पद न मिलने को लेकर नाराजगी जताई थी। यही कारण है कि इस बार भी जब 6 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ नहीं गए तो ऐसी संभावना जताई जा रही है ऐसा कि कुछ विधायकों में नाराजगी है, ऐसा विपक्ष लगातार हमलावर है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट को खुद सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, बताना पड़ा कि जो लोग नहीं आए हैं वो इसलिए नहीं आए हैं कि उन निजी कारणों से, पहले से उनका जो प्रोग्राम तय था इसलिए नहीं आए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जैसा कि बार बार कह रहे थे कि हम लोग कामाख्या देवी के जो मंदिर है सरकार बनने से पहले गए थे, इसलिए चाह रहे थे कि सब लोग एक साथ जाएं और ये प्लान जो था एक कामाख्या देवी मंदिर जाने का काफी पहले बनाया गया था, और ऐसे में 6 विधायकों का नहीं जाना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका पूरी अपडेट देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।